सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद हुकूमत ने चीफ जस्टिस बंदियाल के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं। कौमी असम्बली के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अजगूत नोटिस लेने और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात को महदूद करने से मुतालिक बिल कानून बन गया है और हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस कानून के तहत अदालत उज़्मा में अजगूत नोटिस लेने और बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय एक कमेटी के हवाले किया जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। अदालती इस्लाहात के तहत बनाए जाने वाले इस कानून पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुइना मुद्दत पूरी होने पर यह बिल आइन के तहत कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन का हुक्म भी दे दिया। वाज रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के खिलाफ अबूरी हुक्म के तहत इस पर अमल दरामद से रोक चुकी है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के बाद पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 30 मार्च को मंजूर कर लिया था। ताहम 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ अबूरी हुक्म जारी किया, जिसमें इस पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया गया। पीटीआई की जानिब से इस बिल की मंजूरी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। ताहम हुकूमत का दावा है कि इस बिल का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियार को महदूद करना नहीं बल्कि इस हवाले से मरहल का तयन करना है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम के बिल के हवाले से कहना है कि अजगूत नोटिस और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात तनकीद की जद में आते रहे हैं और बार काउंसिल ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया था। हुकूमत का मौकफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक भी होना चाहिए। मंजूर शुदा कवानीन के मुताबिक बेंचों की तश्कील अजगूत नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जजेस होंगे। यही कमेटी बुनियादी इंसानी हकूक के मामला कम से कम 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज में समाप्त होगी। अर्जेंट मामलात के केसेस 14 रोज के अंदर अंदर समाप्त के लिए मंजूर होंगे। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद क्या हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली है। हाई कोर्ट के साबिक जज शाखावर का कहना है कि अगरचे इस कानून का नोटिफिकेशन जारी करने में कोई ममानत नहीं, लेकिन जिस तरह इदारों में अदम एतमाद का फुकदान है तो बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में एतमाद में लिया जाता। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद अब यह कानून का दर्जा इख्तियार कर चुका है, लेकिन अब इसको भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच किस तरह आइन की तशरीह करता है। इस हवाले से साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का नोटिफिकेशन करके इस कानून साजी के अमल को मुकम्मल किया है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था। उन्होंने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पर भी पार्लियामेंट को यह हिदायत नहीं दे सकती कि अरकान पार्लियामेंट इनकी मंशा के मुताबिक कानून साजी करें। उन्होंने कहा कि 8 रुकनी बेंच के ऑर्डर में कहां लिखा है कि इस कानून साजी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। अदलिया का काम कानून की पैरवी करना है, कानून बनाना नहीं। उन्होंने कहा कि अब चीफ जस्टिस अजगूत नोटिस से मुतालिक कोई बेंच बनाएंगे तो इन्हें दीगर दो जजेस के साथ मुशावरत करना होगी और अगर ऐसा ना हुआ तो चीफ जस्टिस आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। आइनी माहिर उसामा सदीक का कहना था कि आर्टिकल 184(4) की तारीख रही है कि इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मेरी नजर में ये इस्लाहात जरूरी और मुनासिब हैं। उनका कहना था कि अगर ये कानून कहता है कि 3 सीनियर तरीन जज फैसला करेंगे तो ये फर्द वाहिद के फैसले से बेहतर होगा। ताहम सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के क्या असरात होंगे। सियासी तजियाकार नसीम जारा कहती है कि ये हो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच और पार्लियामेंट के दरमियान जो जंग व जदल जारी है, ये तो होना नागुजीर था। उनका मजीद कहना था कि वो कहते रहे कि ये कानून नहीं है और पार्लियामेंट कहती रहेगी कि ये कानून बन गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार, जो इस कानून के तहत 183(4) के तहत आने वाली दरखास्तों को काबिल समाअत करार देने और बेंच बनाने के अमल का हिस्सा होंगे, या वो दोनों जज इस कानून के बाद खामोश रहेंगे या वो चीफ जस्टिस के मुकाबले में तादाद में दोगुने के सबब फैसला साजी अपने इख्तियार में लेने की बात करेंगे। इस सूरत हाल में अनार्की पैदा होने की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट में तनाव पैदा हो सकता है। चीफ जस्टिस और इन दोनों लोगों के ग्रुप्स खुलकर सामने आ सकते हैं।
क्योंकि इस कानून में जजों की तादाद 3 है तो ये एक खतरा मौजूद है। आईनी माहिर उसामा सदीक का कहना था कि ऐसा दिखाई देता है कि चीफ जस्टिस अपने फैसले देते रहेंगे और हुकूमत नहीं मानेगी ता वक्त के चीफ जस्टिस रिटायर नहीं हो जाते। अगला चीफ जस्टिस आ जाएगा तो फिर ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा और कानून कानून बन जाएगा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ये भी मुमकिन है कि आइंदे इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए और वो इसे फिर से ख़त्म कर दें। इसलिए मेरी नज़र में सियासी और कानूनी मामलात का चोली दामन का साथ है तो इसलिए यह भी एक सियासी मौकफ है। माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान ये कश्मकश आइंदा चंद माह तक जारी रहने का इम्कान है या शायद जब तक चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे और सदर के ओहदे की आइनी मुदत खत्म हो जाएगी। नसीम जहरा कहती हैं कि 1-2 दिन में इस कानून के खिलाफ कोई पटिशन आ जाएगी और चीफ जस्टिस इस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि मामला का दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर है। वो आर्टिकल 190 के तहत इदारों से इकदामात करने को कह सकते हैं, लेकिन हमने पंजाब के इलेक्शंस के मामले में देखा कि इनके पावर को कुछ पसपाई का सामना हुआ। सभी ने मुख्तलिफ वजूहात दे दी। नसीम जहरा का कहना है कि आज के माहौल में देखें तो ये कुछ भी करना चाहेंगे तो इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। इन्हें हुकूमत और इदारे जवाब दे रहे हैं जिसके रद्दअमल में ये कुछ नहीं कर पा रहे और इसके अंदाज में नरमी आई। उसामा सदीक का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह के वाकयात के तनाजुर में देखा जाए तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मानने से इनकार कर दे। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि इस मामले में चीफ जस्टिस के कानूनी दलाइल कमजोर हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं है जिस तरह चीफ जस्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 183 में कहीं ये नहीं लिखा कि ये एक शख्स का इख्तियार है बल्कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का बतौर इदारा इख्तियार है। नसीम जहरा का कहना है कि ये मामलात और तू-तू में यूं ही चलती रहेगी या दूसरी सूरत अगर जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार ये कहें कि पार्लियामेंट ने हमें ये ताकत दे दी है और बात बढ़ जाए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।